कोई इस तरह से कुछ काउंसलिंग का प्रोविजन है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि बस्ती में जो है विशेषकर हरिया के क्षेत्र के लोगों के मांग को देखते हुए यहाँ पे शासन द्वारा एक 100 बेड का महिला चिकित्सालय स्वीकृत किया गया था और ये वर्ष 2016 में स्वीकृत किया गया था और 17 से इसका जो है काम शुरू हो गया है। और आप लगभग मान के चलिए कि जो फिजिकल प्रोग्रेस है ये हम इसको लगभग 70-75% फिजिकल प्रोग्रेस मान रहे हैं इसमें, लेकिन जो बजट जितना मिलना चाहिए था उसमें से कुछ बजट नहीं मिल पाने की वजह से काम कुछ दिन के लिए रुका हुआ था। और इसमें क्योंकि 2-3 साल पुराना पर ये है ये प्रोजेक्ट है तो इसमें एक रिवाइज एस्टिमेट भी जो CNDS संस्था है जो बना रहे हैं उन्होंने भेजी थी, जिसका स्वीकृति का कार्य जो है मुख्यालय स्तर पर चल रहा है और हमें उम्मीद है कि 15-20 दिन महीने में उसका स्वीकृति का भी हो जाएगा। लेकिन मेन टाइम ये है कि जितना धनराशि अवेलेबल हुआ है उस धनराशि में से जितना काम करके उस अस्पताल को शुरुआत की जा सकती है और बाकी जो धनराशि आएगा तो बाकी फेजेस में काम होते रहेगा, उसको देखते हुए ये डिसाइड किया गया था इस पर जो है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ये हमें दिसंबर तक जो है संस्था दे देगी और उसमें जो कार्रवाई संचालित की जा सकती है उसके लिए मैन पावर, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो व्यवस्था करने के लिए CMO साहब से बता दिया गया है कि व्यवस्था कर ताकि जनवरी में जैसे हैंड ओवर हो जाएगा तो जनवरी में थोड़ा समय लेते हुए इसका जो है शुभारंभ भी किया जा सके और उस पर वहाँ पर कार्रवाई भी की जा सके ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। जहाँ तक बात है गुणवत्ता का तो हम लोगों ने पूरा राउंड लगा के देख लिया है और एक एक आइटम भी हम लोगों ने चेक किया वहाँ पे और प्लास्टर का भी गुणवत्ता हम लोगों ने वहाँ पे तोड़ के देखा है और प्रथम दृष्टया गुणवत्ता सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी हम वो जो इक्विपमेंट मटेरियल हमने जो क्रैक किया है उसको लैबोरेटरी भेज रहे हैं, लैबोरेटरी से हम लोग टेस्ट कराएंगे और उसके अलावा जितने भी वहाँ पे मटेरियल लग रहा है चाहे वो टाइल्स हो चाहे इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो चाहे अन्य जितने भी सामग्री लग रहा है वो गुणवत्ता के वाला ही सामग्री लगे और जो अप्रूव्ड है वही सामग्री लगे ये हिदायत दी गई है और प्रथम दृष्टया गुणवत्ता ठीक है इनकी। और ये सतत हम लोगों ने ये भी कहा है क्योंकि दिसंबर तक अभी हमारे पास 2 महीने के आसपास लगभग समय है और प्रत्येक वीक का क्या टारगेट बनाया जाएगा कंप्लीशन का वो हमें उपलब्ध करा दे ताकि हम उसको रिव्यू करें ताकि हमारा दिसंबर तक जो हमारा फर्स्ट फेज के जो बिल्डिंग मिलना है जहाँ पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं।